अगेन एट क्राफ्ट कास्ट। हम जो भी बनाते हैं वो बहुत ही इजी और कंफर्ट बच्चे भी बना सकते हैं, तो इसीलिए आज हमारे साथ बनाएंगी लक्षिता। हाय फ्रेंड्स, आई एम लक्षिता। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मेक मिनी पेपर कप। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू टेक 20x20 सेंटीमीटर पेपर। ये हमने पेपर लिया है, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, आप चार्ट ले सकते हैं, स्क्रैप बुक का ले सकते हैं, ग्लेज पेपर ले सकते हैं। तो इसको हमने फोल्ड किया है, ये हमने लिया है 20x20 सेंटीमीटर। ये सेंटर से हमने निकाल के इसको फिर हाफ फोल्ड किया है, और जब भी आप इसको करें तो अच्छे से जब फोल्ड करते हैं तो उसको प्रेशर डालना है उसके ऊपर ताकि वो अच्छे से फोल्ड। इट्स वेरी नाइस। वी कैन अब एक बार हम इसको देखिए खोल लेंगे, ऐसे ही खुल जाएगा। ये सारी लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है सारी लाइनिंग ऐसे हो जाएगी। फिर से इसको अपोजिट साइड से फोल्ड कर रहे हैं। पहले फोल्ड किया था, अब हम दूसरा फोल्ड इसमें कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे से इस पर प्रेशर डाला, अब हम इसको ओपन करेंगे। पूरी जो लाइनिंग एकदम क्लियर, सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। और फिर से हमने इसको, अब देखिए इसको हम कट कर रहे हैं, ये इस तरीके से। एक साइड से इसको कट किया था, और अब देखिए जो फर्स्ट हमारा फोल्ड था इसको जहां तक हमारी दो लाइनें बन रही थी उसको ऐसे फोल्ड कट कर दिया। नेक्स्ट हम कट कर रहे हैं, इसको अलग नहीं करेंगे, जो हमने फर्स्ट किया था उसको हमने अलग कर दिया। अभी इसको अंदर की साइड में ये हमें एक एक करके सबको अच्छे से प्रेशर डाल, अब इसको फोल्ड करके हमें पेस्ट करना होगा। यहाँ पर ग्लू लगाएं और पेस्ट करें। सारे जो है वो वन बाई वन करना है, एक साथ नहीं करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हमें वन बाई वन करते हुए सारे जो है हमने पार्ट्स इसमें पेस्ट कर लिए। अब इसका जो नीचे का साइज है उसके हिसाब से हमें सर्कल कट करना है। ये अब हमें इसको जो सर्कल हमने कट किया है उसको पेस्ट करना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। ये हमने लिया 8x8 सेंटीमीटर का, अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं इसका हैंडल बनाने के लिए। अभी इसका लास्ट प्रोसीजर रह गया वो हैंडल का है। ये देखिए वापस लिया इसको खोल के हमने सेंटर से फर्स्ट फोल्ड किया, सेकेंड फोल्ड हमने कर लिया। अब हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे, इसको हमें हैंडल बनाना है तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। अब इसको ग्लू लगाएंगे और इनको यहाँ पर हैंडल जो है वो पेस्ट करेंगे। ये ग्लू लगा दिया, इसको बस अब पेस्ट करना है। पेस्ट कर लिया, अब आप स्केच कलर से इस पर कोई ड्राइंग बना सकते हैं, आप स्टिकर पेस्ट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।